हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीएस रिव्यूज़ में। आज हम लोग रिव्यू करेंगे नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज द अनलाइकली मर्डरर को। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो द अनलाइकली मर्डरर ये वेब सीरीज कल ही नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई थी। इस सीरीज़ में टोटल 5 एपिसोड है और हर एपिसोड 40 मिनट से लेकर 50 मिनट के आसपास का है। और आगे कुछ भी बोलने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को स्लो बर्न क्राइम थ्रिलर सीरीज देखना पसंद आती है तो शायद आपको ये सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। लेकिन एक न्यूट्रल ऑडियंस को ये सीरीज़ कैसी लगेगी, इस पर तो मैं आगे वीडियो में बात करूँगा। अगर हम इसी कहानी की बात करें तो ये कहानी सेट है 1986 में, और इस दौर में स्वीडिश प्राइम मिनिस्टर का कोई मर्डर कर देता है। तो प्राइम मिनिस्टर का मर्डर किसने किया है, क्यों किया है, और पुलिस इस कातिल का पता कैसे लगाएगी, यही सब इस सीरीज़ की कहानी है। अगर हम इसकी स्क्रीन प्ले की बात करें तो पर्सनली मुझे ये स्क्रीन प्ले काफ़ी पसंद आया है, क्योंकि जिस तरह से हमें स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि किस तरह से प्राइम मिनिस्टर का मर्डर हुआ है और किस तरह से एक आई विटनेस पुलिस को लीड कर रहा है, वो सब इतना अच्छा तो है ही कि हमारे स्टार्टिंग से इन सभी कैरेक्टर्स के साथ एक कनेक्शन बन जाता है और हम जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली प्राइम मिनिस्टर का मर्डर किसने किया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और फिर जिस तरह से सीरीज़ आगे बढ़ती है और अपनी पूरी सिचुएशन को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करती है और हमें बताया जाता है कि क्या इस आई विटनेस ने पुलिस को सही लीड करा है या फिर मिसलीड करा है, वो सब भी इतना अच्छा तो है कि हम पूरे टाइम इस सीरीज़ में इन्वेस्ट रहते हैं। और फिर जब ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं वो भी हमें सीरीज़ के साथ और भी ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट करते चले आते हैं, और हर एक ट्विस्ट हम पे उस तरह का इम्पैक्ट डालने में कामयाब हो पाता है जिस तरह का उसे डालना चाहिए था, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और जहाँ तक बात है कैरेक्टर डेवलपमेंट और कैरेक्टर्स के बीच का डायनामिक्स की, तो सभी कैरेक्टर्स को इतने अच्छे से तो लिखा गया है कि हमारा लगभग सभी कैरेक्टर्स के साथ एक ठीक ठाक सा कनेक्शन बन जाता है, और जो कैरेक्टर्स के बीच का डायनामिक्स थे वो भी मुझे अच्छे लगे हैं। लेकिन अगर हम इस सीरीज़ के नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि ये एक स्लो बर्न शो है, जिसका ये मतलब है कि सीरीज़ की पेसिंग थोड़ी स्लो है। और भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं सीरीज़ में, लेकिन वो प्रॉब्लम कोई ऐसी नहीं है जो आपके सीरीज़ को देखने का मज़ा ख़राब करेंगी। और अगर हम एक्टिंग की बात करें तो सभी एक्टर्स का काम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, फिर चाहे आप किसी की बात करो। पर्सनली मुझे सभी एक्टर्स को स्क्रीन पर देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया है। और जहाँ तक बात है डायरेक्शन और एडिटिंग की, तो डायरेक्शन तो इस सीरीज़ का काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन एडिटिंग थोड़ी और बेहतर होनी चाहिए थी। और जहाँ तक बात है प्रोडक्शन क्वालिटी की, तो वो लाजवाब है। तो ओवरऑल मैं यही बोलना चाहूँगा कि ये एक अच्छा शो है, और अगर आप लोगों को स्लो बर्न शो देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है तो आपको ये शो डेफिनेटली पसंद आने वाला है। लेकिन अगर आप लोगों को स्लो बर्न शो देखने में प्रॉब्लम आती है तो अपने पूरे सब्र के साथ इस शो को देखना ज़रूर स्टार्ट करना, क्योंकि इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आप लोगों ने इस सीरीज़ के 2 से 3 एपिसोड देख लिए ना, तो आप इस सीरीज़ को डेफिनेटली कंप्लीट कर दोगे। इसलिए मेरी तरफ से तो ये सीरीज़ पूरी तरह से रिकमेंडेड है। और अगर आप लोगों ने सीरीज़ देख ली हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन या शिकायत करनी हो तो भी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, या फिर हम इंस्टाग्राम और ट्विटर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।